क्या टीम इंडिया की बॉलिंग जसप्रीत बुमराह के बिना क्या कुछ भी नहीं है। इंडियन मीडिया में बड़ा क्रिटिसाइज हो रहा है इंडिया की बॉलिंग को लेके, रोहित शर्मा की स्ट्रेटेजी को लेके, गौतम गंभीर की कोचिंग को लेके कि ये तो सिर्फ T20 में कोचिंग करते हैं, इन्होंने कहां ओडीआई फॉर्मेट के अंदर कोचिंग किया है। तो इस तरह से इंडियन मीडिया एक तरीके से बड़ा वाहवेला मचाया जा रहा है इंडियन मीडिया के अंदर कि आखिर क्या जसप्रीत बुमराह के अलावा टीम इंडिया के पास कोई और दूसरा, कोई और तीसरा चौथा बॉलर मौजूद नहीं है। इसी बीच टीम इंडिया ने कई सारे बॉलर ट्राई आउट किए, खलील अहमद को ट्राई आउट किया, वो पिट गए। फिर इसके बाद भी कई सारे बॉलर्स आपने ट्राई आउट किए, मोहम्मद सिराज को देख ले, उनकी परफॉर्मेंस इन एंड आउट चल रही है। अर्शदीप सिंह जब जसप्रीत बुमराह के साथ खेले हैं तो फिर वो क्लास खेलते हैं, फिर उनकी परफॉर्मेंस में इंपैक्ट भी नजर आता है। बट जैसे ही जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जाता है, उसके बाद अब जितने भी टीम इंडिया के बॉलर्स हैं, क्या उनकी कमजोरी दूसरी टीम्स को नजर आ जाती है, क्या वो इंपैक्ट आखिर क्यों नहीं डाल पाते, ये टीम इंडिया का सबसे बड़ा सवालिया निशान। मैंने आपको जब बोला था उस सीरीज का, जब मैंने पोस्टमार्टम किया था श्रीलंका इंडिया की सीरीज का, उस वक्त मैंने आपको ये बोला था कि ये सीरीज खत्म हो गई है, बट ये सीरीज अपने आप में बड़े सवाल छोड़कर गई है। सबसे बड़ा सवाल ये सीरीज छोड़कर गई है कि आखिर टीम इंडिया की बॉलिंग क्यों परफॉर्म नहीं कर पाई। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल यू है, पहले ओडीआई मैच को ले लें, उठाकर देखें पहला ओडीआई मैच का स्क्रिप्ट, पहला ओडीआई मैच उठाकर देखें आप लोग, 100 रन पर 6 खिलाड़ी आउट थे, वहां से 224 कर जाती है श्रीलंका की टीम। दूसरा ओडीआई मैच उठाकर देख लें, दूसरा ओडीआई मैच भी ऑलमोस्ट टीम इंडिया एक बड़ा जबरदस्त पकड़ लिया था श्रीलंका को, बट तीसरा ओडीआई मैच स्क्रिप्ट उठाएं, उठाकर देख लें, 138 रन्स के ऊपर 6 खिलाड़ी आउट होते हैं, वहां से श्रीलंकन बैटर्स जिस तरीके से मारते हैं मोहम्मद सिराज को, 78 रन आखिरी ओडीआई मैच के अंदर पड़ गए मोहम्मद सिराज को। बट परफॉर्मेंस क्या है, क्या जसप्रीत बुमराह के अलावा उनकी बॉलिंग अटैक क्या वाकई कमजोर एक बॉलिंग अटैक है? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में इंपैक्ट डाल के दिखाया, उनके साथ अर्शदीप सिंह ने इंपैक्ट डाल के दिखाया, उनके साथ अगर कोई बॉलर खेलता है तो वो इंपैक्ट डाल के दिखाता है, बट जब वो नहीं खेलते तो बाकी बॉलर्स की जो बॉलिंग है वो आखिर कमजोर क्यों पड़ जाती है, ये सवालिया निशान है सबसे बड़ी। और रोहित शर्मा की स्ट्रेटेजी को लेकर सवाल हो रहा है, और सवाल ये हो रहा है रोहित शर्मा की स्ट्रेटेजी को लेकर, क्या आखिर वो बीच में शफल्ड बैटिंग ऑर्डर को क्यों करें, क्या वो गौतम गंभीर आप शफल्ड कर रहे हैं? क्योंकि T20 फॉर्मेट में आप शफल्ड कर सकते हैं, T20 फॉर्मेट में आपको कुछ भी नहीं करना होता है, शफल्ड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपको एक ओवर चाहिए मोमेंटम हासिल करने के लिए, एक बड़ा ओवर चाहिए, दो बड़े ओवर चाहिए, बट आप ओडीआई क्रिकेट में ऐसा नहीं कर सकते। ओडीआई क्रिकेट में आपको प्रॉपर सेशन जीतने पड़ते हैं, प्रॉपर 10 से 15 ओवर आपको जीतने पड़ते हैं, उसके बाद जाकर आप मोमेंटम अपनी तरफ लेकर आ जाते हैं। बट यहां पर ऐसा देखा गया कि कभी कभार लेफ्ट हैंड राइट हैंड के चक्रों में गौतम गंभीर और रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल को कभी ऊपर भेज दिया, कभी वाशिंगटन सुंदर ऊपर आ रहे हैं तो कभी शिवम डुबे ऊपर आ रहे हैं, जो स्पेशलिस्ट बैटर्स का जो नंबर है वो डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे ऋषभ पंत का 5वां नंबर है तो कभी वो चौथे पर आ जाते हैं तीसरे ओडीआई मैच में, जैसे केएल राहुल का 5वां नंबर है तो वो कभी चौथे पर आ रहे हैं तो कभी वो 7वें नंबर पर आ रहे हैं, दूसरे ओडीआई मैच में 6ठे नंबर पर आए हैं, जैसे श्रेयस अय्यर का चौथा नंबर है पूरे वर्ल्ड कप में, पूरे अपने कैरियर में वो 4 नंबर पर बैटिंग करता रहा है, बट उस इस सीरीज के अंदर उसको कभी किस नंबर पर चांस मिल रहा है तो कभी किस नंबर का, कभी वो 6ठे पे आ रहे हैं, कभी वो 5वें पर आ रहे हैं। तो ये गलतियां आइडेंटिफाई करने वाली गलतियां हैं जो टीम इंडिया को लेकर इंडियन मीडिया बड़ा हाईली क्रिटिसाइज कर रहा है कि रोहित शर्मा की आखिर स्ट्रेटेजी को क्या हो गया, क्या वो राहुल द्रविड़ के जाने के बाद वो स्ट्रेटेजी खत्म हो गई, क्या वो पीछे से जो दिमाग था वो सिर्फ राहुल द्रविड़ का था, उसके बाद गौतम गंभीर क्या कर रहे हैं, क्या गौतम गंभीर के पास सिर्फ T20 का एक्सपीरियंस है? बात तो यही हो रही है। फिलहाल इस सीरीज को लेकर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं, गौतम गंभीर की कोचिंग को लेकर, रोहित शर्मा की कैप्टनसी स्ट्रेटेजी को लेकर, खास तौर पर इंडिया की बॉलिंग को लेकर, जो मैंने एग्जाम्पल दी कि कैसे टीम इंडिया ने अपनी बॉलिंग से मैच हरवाए ये आपके सामने है। तो खैर आपको क्या लगता है, टीम इंडिया की बॉलिंग इस सीरीज में कुछ नहीं किया उन्होंने, बैटिंग ने कुछ नहीं किया, या स्ट्रेटेजी में कोई ना कोई मसाइल थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें दीजिए इजाजत। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा।